हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानिया। दोस्तों, बात करेंगे जेनिटल वार्ड्स के बारे में, मतलब कि जो पुरुषों के महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स में कई बार मस्से हो जाते हैं, इनका क्या कारण होता है, क्यों होते हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें, संपूर्ण जानकारी के लिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए जेनिटल वार्ड्स की, तो वार्ड्स होते हैं, मस्से होते हैं, शरीर में कहीं पर भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार ये जेनिटल पार्ट्स जहाँ पर नहीं होना चाहिए वहाँ पर भी हो जाते हैं। महिला के शरीर में प्राइवेट पार्ट जैसे कि वेजाइना, उसकी योनि में, वल्वा वाले हिस्से में या सर्विक्स के हिस्से में ये कई बार मस्से बन जाते हैं, या पुरुष के लिंग पर भी ये मस्से हो जाते हैं। और ये जो मस्से होते हैं कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है। फ्लैट होते हैं, बिल्कुल ऐसे देखेंगे नहीं, छूने पर महसूस नहीं होंगे, फ्लैट होते हैं, उभरे हुए होते हैं, कई सारे बहुत छोटे छोटे होते हैं, कई बहुत बड़े बड़े भी हो जाते हैं। सो ये जो मस्से होते हैं इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं, तब आप इनको पहचान सकते हैं कि भाई ये मस्सा ही है या नहीं है, या जेनिटल वार्ट्स ही है या नहीं है। तो ये ज़्यादातर इसमें खुजली चलती है, ठीक है ना, खुजलाने पर पानी सा निकल सकता है और दर्द नहीं होता है, थोड़ी सी रेडनेस रहती है। तो ये मस्से होते हैं दोस्तों, और कई बार देखा गया है कि एनल एरिया के आसपास भी हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है उसके द्वारा ये होता है। तो एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, आपको अगर हो रहा है, आप किसी के साथ सेक्स करेंगे तो उसको भी ये हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि जो वार्ट्स होते हैं इनमें से पानी निकलता है, और यही पानी जो लिक्विड होता है, यही सीक्रेट जो हो रहा है, इसी के द्वारा ये फैल जाता है, ठीक है। तो ये फैल सकता है, तो इसलिए कई लोग जो एनल सेक्स करते हैं तो उनको ये एनल एरिया में हो जाते हैं, या ओरल सेक्स कह सकते हैं कि ओरल सेक्स अगर किया जाता है इस कंडीशन में तो उनके मुंह के आसपास भी ये वार्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, कहीं पर भी हो सकता है। कई केसेस में देखा गया है कि भाई ये बच्चों में भी हो जाता है, हालांकि बच्चों में सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन कह सकते हैं कि सेक्सुअल अब्यूज़, आप समझदार हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो सेक्सुअल अब्यूज़ अगर बच्चों के साथ कोई करता है जो कि इलीगल है और नहीं भी करना चाहिए, तो बच्चों में ये बीमारी हो सकती है, ठीक है ना। तो महिला हो या पुरुष हो, किसी को भी जेनिटल वार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। और लगभग 15 से लेकर 35 साल की उम्र में ये देखे जाते हैं, ज़्यादातर वो बड़ी उम्र में ये ज़्यादातर होते हैं, और महिलाओं में ज़्यादा होते हैं, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो अभी बात आती है कि भाई ये कारण क्या हो सकते हैं। देखो, पहला कारण तो है कि भाई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, आप असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, तब ये हो सकते हैं। लो इम्यूनिटी, मतलब कि आपके शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर है, आप बार बार बीमार पड़ते हैं, आपको तरह तरह की बीमारियां होती रहती हैं, तो जो कहीं ना कहीं आपके शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो भी कह सकते हैं। और एक उम्र के बाद ये होने लगते हैं, ठीक है ना। और छोटे बच्चे, जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में पैदा हुए हैं, उनको भी देखे गए हैं, उनको ये क्यों होंगे। जब माँ होती है जिसको अगर जेनिटल वार्ट्स की प्रॉब्लम है, अगर वो बच्चे को डिलीवर करती है, मतलब कि बच्चे की डिलीवरी बच्चे के जन्म के बाद बच्चों में हो जाते हैं, अगर माँ को हुआ तो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये फैलते हैं, होते हैं। रिस्क क्या होता है जेनिटल वार्ट्स से, रिस्क ये होता है दोस्तों कि ये कई बार सर्वाइकल कैंसर या नॉर्मल किसी भी तरह का कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। अगर आपको जेनिटल वार्ट्स हैं और आप इसका ध्यान नहीं रखते हैं, इलाज नहीं कराते हैं, तो आपको मे बी पॉसिबल कि आपको भविष्य में कैंसर होने का खतरा बना रहता है। तो हमेशा इसको हल्के में नहीं लेना है। अभी बात आती है कि करें क्या। देखो, सबसे पहली चीज़ कि आपको जो है डॉक्टर को दिखाना, ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट या किसी भी जनरल फिजिशियन को आप दिखा सकते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स से बचना है, सेक्स नहीं करना है ऐसे पार्टनर के साथ। दूसरा ये है कि वैक्सीन्स ली जा सकती है, वैक्सीन आती है, वैक्सीन भी क्या है कि कई बार काम नहीं करती है, कई बार काम करती है, क्योंकि इसके कई तरह के वेरियंट होते हैं HPV के, तो कुछ वेरिएंट्स में वैक्सीन काम कर जाती है लेकिन कहीं पर नहीं करती है, तो फिर दूसरे प्रोसीजर्स पर जाना पड़ता है, ठीक है ना। क्रायोथेरेपी होती है, एक लेज़र थेरेपी होती है, और कुछ क्रीम्स आते हैं, इनको लगाकर आप इन वार्ट्स से छुटकारा पा सकते हैं।
ये जो थेरेपी होती है क्रायोथेरेपी, लेजर थेरेपी, इन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। एक निडल होता है जिसमें ऐसा लगता है कि जल रहा हो, उससे काट काट के इन वाट्स को निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। जलता नहीं है लेकिन वो वाट्स निकल जाते हैं और आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यही होता है दोस्तों क्या जेनाइटल वाट्स। वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट करें इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। हमारे दूसरे चैनल दोस्तों ज्ञानियर ब्लॉग्स और असरदार आयुर्वेद, उनको भी जरूर से आप चेक करें, हो सकता है कि आपको वहाँ पर भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।